मैं पसीने में लथपथ होऊंगा। तो एनीवे चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे इनटू माय लाइफ। और अभी आज हमारे कश्मीर का चौथा दिन है एंड द डे इज गोइंग रियली वेल। जब हम सुबह उठे थे तो अभी थोड़ी सी धूप है, ये बिल्कुल नहीं थी, बारिश आज भी पड़ी थी, टेम्परेचर अराउंड 17-18 तक गया और बहुत ही प्लेजेंट मौसम था। पीछे आप मेरे देख सकते हैं डल लेक। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जाएंगे शंकराचार्य, वो एक मंदिर है बहुत पहले से यहाँ पे, स्टेप्स 100-200 स्टेप्स है, उसको चढ़ के वहाँ पहुँचते हैं। बट हम ऑटो लेके जाएंगे क्योंकि मैं कश्मीर में पसीना पसीना नहीं होने आया हूँ। तो उसके अलावा हम आज क्या करेंगे, हम जाके और एक्सप्लोर करेंगे, जगहें खाएंगे और मैं अपने एक बचपन के दोस्त मोइन से मिलूंगा जो कि यहाँ पे अपने कज़न की वेडिंग अटेंड करने आया था और वो भी बहुत बिजी था। तो अगर वो फ्री होता है उससे भी शाम को मिल लूँगा और खाएंगे अच्छा खाना। आज आखिरी दिन है, मोस्ट प्रॉब्ली आई एम लीविंग टुमारो बिकॉज बहुत काम है आगे पीछे भी। और मज़ा आया, चार दिन का अच्छा ट्रिप था, शॉर्ट 3 व्लॉग्स और आज भी एक शूट करूँगा, तो मैं हैप्पी अबाउट दैट। बट बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, एडिटिंग करनी है बाकी व्लॉग्स की भी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, नाउ आई एम बैक ऑन माय वे एंड राइट नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स एन ऑटो व्हिच आई नीड टू फाइंड एंड आफ्टर दैट वी हेड टू शंकराचार्य एंड अपेरेंटली देयर आर लॉट ऑफ स्टेयर्स दैट वी नीड टू क्लाइंब। मुझे पहले लगता था कि उसको अवॉइड करके एक दूसरा रास्ता है जिससे हम ऑटो से जा सकते हैं, बट ऑटो जो है वो स्टेयर्स तक ही छोड़ता है, चढ़नी पड़ती हैं, मैं पसीने में लथपथ होऊंगा। तो एनीवे चलते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अब यहाँ से कितनी दूर है भी, अब 5.5 किलोमीटर है सचिव पर, ये पार कितना 15 मिनट लगेगा पहुँचने में, 15-20 मिनट लग गया। अच्छा, जाने और आने में? नहीं नहीं, एक साइड में 15 मिनट लगेगा। अच्छा, एक घंटे में आ जाएंगे आराम से। अच्छा, 1 घंटा लगेगा आपको उधर ऊपर चढ़ने और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगता है आने जाने में, लेकिन आधा घंटा आपको सचिव पूरा लगेगा दर्शन में। तो अभी अभी एक नया खुलासा हुआ है कि हम ऊपर पर्स ले जा सकते हैं बट फ़ोन, कैमरा ऐसी चीज़ें नहीं ले जा सकते, जो कि बहुत बड़ा बमर है मेरे लिए क्योंकि मैं यहाँ व्लॉग बनाने आया था। बट ये बेवकूफ़ी भी है दैट वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस होल सिचुएशन आउट हेयर। सो नाउ आई एम सपोज टू गिव माई कैमराज ऑल द इक्विपमेंट इन द ऑटो विच इज़ राइट हियर। अच्छा अच्छा, जी जी करिए। So he is parking the auto at the moment, but what I'm wondering is how can I be so trustworthy? I have my own trust issues which is pretty apparent, but now I guess we got to take a leap of faith. हम चढ़ के आ गए, मुझे लगता था 100-200 सीढ़ियाँ थी, टू बी प्रिसाइज 200 ही सीढ़ियाँ थी, उससे ज़्यादा थी गिनी मैंने आते 180 तक तो, और मैंने थोड़ी देर बाद शुरू किया था। और जो ऊपर का व्यू है बेहतरीन है, इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। बहुत दिनों बाद मैंने टेंपल में जाके एक वहाँ पे वो था तपस्या स्थल करके एक जगह जहाँ पे आप जाके प्रे कर सकते थे साइड में बैठ के, और इतना एस्थेटिकली प्रीटी व्यू था, आपको पूरी सिटी ऊपर से दिख सकती थी। इट्स लाइक एक ह्यूज किला टाइप होता है ना, उसके ऊपर वाली जगह वहाँ से आपको हर चीज़ विजिबल थी, वैसा ही सिस्टम था और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। आई रियली होप अगर आप प्रेयर में, भगवान में, इन सब चीज़ों में मानते हैं और व्यूज़ आपको पसंद हैं, अच्छे व्यू, तो यहाँ पर ज़रूर आइए। इट इज़ अ मस्ट विजिट एक्सपीरियंस दैट यू शुड हैव
इफ़ यू लाइक ऑल दोज थिंग्स दैट आई मेंशन्ड. एंड अब हम घर जाएंगे और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या रखा है कश्मीर में, उसको फिगर आउट करते हैं. तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको कुछ देर में मिलता हूँ. टेक केयर टिल देन, आई विल सी यू गाइस इन अ वाइल. तो आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे जहाँ से आप पूरा क्लियर व्यू देख सकते हैं पूरी सिटी का. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट. अगर आप अभी शंकराचार्य आए तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा. इट्स गुड फॉर टेकिंग पिक्चर्स एंड जस्ट सिटिंग हेयर. और अभी बारिश भी हो रही है, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं ब्यूटी इफ़ यू रियली वॉन्ट टू. इफ़ यू रियली अप्रिशिएट ब्यूटी इन जनरल, दिस इज़ अ रियली गुड स्पॉट टू डू दैट. और अभी हम वापस होटल जा रहे हैं. आई विल सी यू गाइस सून. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में हम अभी गुलमर्ग पहुंच गए हैं. एक्चुअली गुलमर्ग पहुंचे नहीं हैं, बट यहाँ के रास्ते में आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं पहाड़ों का. और इतने दिनों से हम सिर्फ पहाड़ ही देख रहे हैं आप और मैं दोनों. बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इट्स एन अमेजिंग व्यू. एंड ये एकदम से प्लान बन गया. मैं मोइन को मिलने आया था और वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, तो उसने मुझे बोला कि तू भी क्यों नहीं चल लेता मेरे साथ. और मैंने कहा यार आउट ऑफ द ब्लू कोई प्लान था नहीं, बट मैं बैग लाया था अपना, कि उसने कहा था लंबा खींच सकता है, रात को बैठ सकते हैं साथ में, और बहुत टाइम से मिला नहीं था उससे, तो मैं आ गया. अब वो थोड़ा शर्मा रहा है, बोल रहा नहीं कैमरे के सामने मैं नहीं आऊँगा, बट व्यू इन्जॉय कीजिए और गुलमर्ग का व्यू इन्जॉय कीजिए. और यहाँ पर हवा बहुत अच्छी है, मतलब कश्मीर में भी सुबह सुबह बहुत अच्छा टेम्परेचर था, बट शाम तक ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. शाम नहीं, स्पेशली दोपहर में ज़्यादा रहती है क्योंकि धूप आ जाती है यार. लेकिन अभी यहाँ पे गुलमर्ग में ऐसा लग रहा है कि एसी चल रहा है नेचुरली. तो चलते हैं, एक बेहतर जगह जाते हैं और चिल करते हैं और मज़े करते हैं साथ में आप लोग मिलके. चलो फाइनली गाइज वी रीच्ड गुलमर्ग. ये होटल है, आपने देखा काफ़ी खूबसूरत होटल है. दिस इज़ द सेम होटल वेयर वी स्टेड एट व्हेन माय फ्रेंड्स एंड आई केम ओवर हियर फ्यू मंथ्स बैक. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस गुलमर्ग, आई लव दिस प्लेस. इस बार मोइन के साथ आया हूँ और ये शर्मा बहुत रहा है आज, बट एनीवे बहुत ही बेहतरीन जगह है. समटाइम्स विश काश मैं चुटकी बजाता और टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर पहुँच जाता, क्योंकि इतना सुकून है इस जगह पे, स्पेशली इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड. इट्स फिल्ड विद पाइन ट्रीज, आप नेचर के इतना करीब हैं, आपके सामने इतनी ज़्यादा एस्थेटिक ब्यूटी है. आई रियली विश आई कुड डू दैट वन डे. आई वुड लव टू कम हेयर, हैव माई ओन फार्म हाउस और गेस्ट हाउस और ह्यूज प्लेस ऑफ माई ओन ओवर हियर, वेयर आई कुड ब्रिंग माई फ्रेंड्स, हैव अ लिटिल पार्टी ड्यूरिंग द विंटर्स और द समर्स, बिकॉज इट्स ऑलवेज चिल अराउंड हियर द वेदर. एंड आई लव कोल्ड वेदर, नॉट सुपर कोल्ड लाइक फ्रीजिंग, बट प्लेजेंट वेदर. और अब थोड़ा चिल करेंगे, आज का वीडियो अभी यहीं एंड करते हैं. ज़्यादा हमने आज कुछ किया नहीं, ट्रैवल ही किया. अभी यहाँ पे रहेंगे, थोड़ी सी ब्यूटी और इन्जॉय करेंगे. दिन में आपको और थोड़ा आगे पीछे दिखाऊंगा जगहें, लास्ट टाइम तो दिखाई थी, बट थोड़ा और कुछ करेंगे और चिल करेंगे. सो गाइस सुबह हो चुकी है और मेरी एक फ्रेंड है, वो कास्टिंग में है, एंड शी सेंड मी दिस वेब सीरीज स्क्रिप्ट, जिसके बेसिस पे मुझे उसको एक दो ऑडिशन भेजने थे कैरेक्टर के लिए. तो वो करते करते रात के 3 बज गए. नाउ थैंक्स टू तारनी, शी हेल्प मी टू एडिट दैट टू साइमल्टेनियसली वाइल आई वाज शूटिंग. सो शाउट आउट, थैंक्स, ग्रेट गर्लफ्रेंड राइट. एनीवे अदर देन दैट, आज सुबह हो चुकी है, वो मैंने भेज दिया उनको सेंड करके. मेरा एक और दूसरा काम था वो मैंने ख़त्म कर दिया. यूजुअली मैं 6 बजे उठता हूँ, आज मैं 9 बजे उठा, बट क्या करूँ यार, 3 बजे सोया था. एक्चुअली मैं 8 बजे उठा और कमर बहुत दर्द हो रही थी, बिकॉज इतने दिनों से नींद ही पूरी नहीं हो पा रही, हम भागा दौड़ी में ही लगे हुए हैं. बट डजंट मैटर, आज अभी हम नीचे जाएंगे, हम इस बेहतरीन होटल रोजवुड में हैं, जिसकी ब्यूटी तो आपने पहले भी देखी है, हमने आज भी देखी है. आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा है इनके रूम की, आई रियली लव इट. नाउ लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड हैव अ गुड ब्रेकफास्ट. और मोइन अभी भी शर्मीला फील कर रहा है, आई डोंट नो मैन. मोइन कम ऑन लेट्स गो ड्यूड.
Moin, are you coming or not? Okay. He's so shy, he can't even speak. Anyway, let's go and have some breakfast now. चलिए अब खाना शुरू करते हैं. Famished. तो गाइस अभी अंत है इस ब्यूटीफुल सी शॉर्ट ट्रिप का जो हमने श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ ली थी. आई रियली लव्ड इट. आई जस्ट कांट वेट टू बी बैक हियर अगेन. एंड मैंने लास्ट टाइम भी कहा था मैं यहाँ पे दोबारा आना चाहूँगा कुछ देर बाद अपनी लाइफ में जब मैं एक बेहतर पोजीशन में आऊँगा. तो एक साल पहले से तो बेहतर सिचुएशन में मैं हूँ. आई बिलीव सेल्फ ग्रोथ या फिर दूसरी चीज़ें मान लेते हैं जो भी है. सो आई होप कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम हियर आई एम इवन मोर ग्रोन एज एन इंडिविजुअल इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ. एंड This was an amazing trip, to be really honest. I loved every part of it. अब मैं जा रहा हूँ वापस. मोइन मेरा गाड़ी में वेट कर रहा है और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में. और वो कब होगा मुझे नहीं पता. हो सकता है जम्मू में हूँ, हो सकता है कल मैं एक और शूट कर लूँ. मैंने काफ़ी वीडियो शूट कर लिए हैं और अब मैं थक चुका हूँ. तो मैं एक दिन के लिए रिलैक्स चाहता हूँ. कल आई बी हेडिंग बैक टू जम्मू. सो दिस इज़ इट फॉर द डे. I love you guys. If you enjoyed the video, please hit the like button and subscribe to the channel as it helps me and helps me grow the channel. And if you have any suggestion, let me know in the comments below. I love you guys. I'll see you in the next video. Till then, you have a great time. Bye. ये जो मेरे पीछे झाड़ियाँ हैं इससे आप कुछ अलग आइडियाज़ मत ले लीजिएगा. मैं किसी जंगल में नहीं हूँ. मैं डल लेक के ऑपोजिट खड़ा हूँ अपने होटल के बाहर.